हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास, और आज मैं बात करूंगा 2020 की यानी इस साल की सबसे बेस्ट, प्रोबेबली सबसे बेस्ट हॉरर सीरीज़ की, द आउटसाइडर। द आउटसाइडर HBO की ओरिजिनल सीरीज़ है और इसे आप HBO या मैं कहूं कि हॉटस्टार पे ऑफिशियली देख सकते हैं, अगर आपके पास हॉटस्टार प्रीमियम है तो। और HBO के सारे शोज़, जैसा कि मैं जानता हूँ कि सारे शोज़ की अपनी अलग एक खासियत है, एक अलग क्वालिटी होती है। अब बहुत ही अच्छे शोज़ बनते हैं HBO के, और HBO काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी पर ही ध्यान देती है। द आउटसाइडर कहानी है टेरी मेटलैंड की, जो कि एक शादीशुदा इंसान है और उसका अपना खुद का एक बिज़नेस है। एक दिन अचानक ये होता है कि सुबह सुबह पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है, एक 10 साल के बच्चे यानी कि फ्रैंकी पीटरसन के मर्डर के जुर्म में। अब आगे होता ये है कि टेरी मैटलैंड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है उस 10 साल के बच्चे के खून के इल्ज़ाम में। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि जंगल में जहाँ फ्रैंकी पीटरसन उस 10 साल के बच्चे की मर्डर हुई थी, वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। वहाँ सब ने टेरी मैटलैंड को देखा था। टेरी मैटलैंड का रोल कर रहे हैं जेसन बेटमैन, जो कि इस सीरीज़ के पहले 3 एपिसोड के डायरेक्टर भी हैं, और इनको आपने देखा होगा ओजार्क यानी कि नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ में, जो कि बहुत ही फेमस है। जेसन बेटमैन एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और इन्होंने ओजार्क में भी काम किया, फागो में भी अच्छा रोल किया इन्होंने। और यहाँ कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे पन्ने खुलते जाते हैं, वैसे वैसे बिल्कुल आश्चर्य होता है हमें कि इस तरह की हॉरर सीरीज़, ऐसा कंसेप्ट। ये हॉरर सीरीज़ बेस्ड है स्टीफन किंग्स के नॉवल द आउटसाइडर पर, और स्टीफन किंग इससे पहले भी, उन्होंने जैसा कि मैंने एक रिव्यू किया था इन द टॉल ग्रास, उसके भी राइटर थे, जो कि एक ठीक ठाक हॉरर फिल्म थी नेटफ्लिक्स की। लेकिन द आउटसाइडर को 9 रेटिंग मिली है IMDb पर, जो कि 50,000 लोगों ने लगभग किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। इसके अभी 7 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं हॉटस्टार पर और HBO पर इनफैक्ट, और हर एपिसोड्स वीकली आते हैं। तो मैंने अभी तक 7 एपिसोड देखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के 3 एपिसोड भी काफ़ी अच्छी होगी। चलिए वापस आते हैं कहानी के ऊपर कि टेरी मैटलैंड के साथ क्या होता है। टेरी मैटलैंड फिर काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें देखा होता है, उसका मर्डर करके जंगल से बाहर आते हुए पूरे खून में लथपथ होते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई सामने आती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, कि उसी दिन टेरी मैटलैंड, जब फ्रैंकी पीटरसन का मर्डर हुआ था, उस वक्त, उस दिन, उसी डेट को किसी और जगह पे मौजूद थे, यानी कि अपने किसी कॉन्फ्रेंस में वो गए हुए थे, और वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिली। अब सवाल ये आता है कि कोई ह्यूमन बीइंग यानी कि कोई भी इंसान एक समय में दो जगह पर रियलिटी में कैसे मौजूद हो सकता है। तो ये यहाँ से कहानी मुड़नी शुरू होती है, और बहुत ही सस्पेंसफुल तरीके से इसे दिखाया गया है कि आगे क्या क्या होता है, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 एपिसोड्स में। और ये सीरीज़ वाकई में बहुत अच्छी है, जब आप इसे देखेंगे आप पहले एपिसोड से ही हुक हो जाएंगे बिल्कुल भी, और बिल्कुल आपका मन करेगा कि ये जल्दी जल्दी सारा ख़त्म कर लें, आखिर होगा क्या, क्या होने वाला है, ये हमेशा आपके मन में बना रहेगा। आउटसाइडर को मैं साल की बेहतरीन हॉरर सीरीज़ इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी हॉरर सीरीज़ देखी है, बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखे हैं, लेकिन इस तरह की, जिस तरह से पेस मेंटेन किया है, जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी है, जिस तरह से कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से पिक्चराइजेशन की गई है पूरी सीरीज़ की, बहुत ही लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात है एक्टिंग, यहाँ इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स को चुन के लाए हैं, चाहे वो टीवी के हों, चाहे वो फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल करते हों, तो ये सब भी बहुत ही अच्छे एक्टर, मजे हुए कलाकारों को लेकर ये सीरीज़ बनाई गई है। मैं इस सीरीज़ को देता हूँ 10 में से 9, क्योंकि बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, मैं मान गया, बहुत ही क्वालिटी सीरीज़ है। और मैं आपको भी कहूँगा कि अगर आपको भी मौका लगे तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें, बिल्कुल मिस ना करें इस सीरीज़ को। मेरा रिव्यू द आउटसाइडर के लिए, आने वाले 3 एपिसोड के बाद मैं इसका एक फाइनल रिव्यू करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।